जौहरी से बात नहीं कर सकते। इस वक्त वे बोर्ड मीटिंग में बिजी है। प्लीज़ आप घंटे पर बात फोन कर दीजिए। थैंक यू। हेलो, मेरा बेटा यहाँ वार्ड नंबर 4 में। मैं जानती हूँ गोपाल जी कि आपके बेटे मिस्टर राहुल यहाँ एडमिट है। वैसे भी मिस्टर राहुल बहुत पॉपुलर लगते हैं क्योंकि उनसे कितने लोग मिलने आते रहते हैं। जी हाँ, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं। एक्चुअली हमने डॉक्टर बैनर्जी से बात की थी कि राहुल को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें। उन्होंने कहा उसी फ्लोर पर एक बड़ा कमरा खाली हो रहा है। जी हाँ, वो कल दोपहर तक खाली हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद हम आपके बेटे को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। मिस्टर बैनर्जी के इंस्ट्रक्शन हमें मिल चुके हैं। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, राहुल जी यहाँ एडमिट है? कौन से वार्ड में? एक्सक्यूज मी, आप राहुल से मिलने आई हैं? जी। नमस्कार, मैं गोपाल, राहुल का पिता। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं, पहली बार देख रहे हैं ना? जी हाँ, आप राहुल के क्लाइंट हैं? नहीं, मीनाक्षी की मौसी। मीनाक्षी जो आंचल जी की असिस्टेंट? हाँ, मैं जानता हूँ। वो हमेशा आंचल जी की तारीफ करती रहती है। पता चला कि राहुल जी हॉस्पिटल में है तो हमसे रहा नहीं गया, मिलने चले आए। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मिलने आए। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ न करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ बता दीजिए ये कौन से रूम है और वार्ड नंबर कौन सा है? जी, वार्ड नंबर 4, कमरा नंबर 12। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आंचल जी भी रही है? जी नहीं, आंचल जी कुछ दवाइयाँ और सामान लेने बाहर गई हैं। भाई, इनके साथ तो हादसे पे हादसे हुए जा रहे हैं। पहले प्रेम चल बसा, फिर उसकी माँ को इतना सदमा लगा कि वो खामोश हो गई, और अब ये राहुल के साथ हो गया। सच कह रहे हैं आप। और गोपाल भाई सब की परेशानियों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरा दिल भी घबरा जाता है। धनी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं एक एक हादसे को। ऐसा करते हैं, एक दिन चलकर मिल आते हैं उन्हें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हेलो। हेलो मेघा देवी। वैदेही, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। माँ कहाँ है? अब हाँ है, एक मिनट। हेलो वैदेही, कैसी हो बेटा? और कैसी हो सकती हूँ। तुमने जो भूल की है उसे तो मुझे मरते दम तक भुगतना ही पड़ेगा। तो तुम्हें पता चला राहुल का एक्सीडेंट हो गया बेटा? हाँ मुझे पता चला। उसे बहुत लगी है बेटा। ये जिंदगी शायद हादसों को लेकर ही बनी है। पापा से बात करोगी? हाँ मैं बात करवाती हूँ। लाओ। हेलो, कैसी हो बेटी? पापा, पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप दिल्ली कब जाएंगे? आपका सारा काम खत्म हो गया ना? और बेटा वहाँ का काम तो चलता रहता है। अब छोड़ो तुम ये बिजनेस की बातें, तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो? गौरव कैसा है और तुम्हारा नया घर कैसा है? और तुम्हारी सासू माँ कैसी हैं? सब बहुत अच्छे हैं पापा। और गौरव, गौरव तो मुझे बहुत मानता है। उठते बैठते बस मेरा ही नाम लेता रहता है। और मेरी सास तो मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। बेटा तुम भी उन्हें बहुत सा प्यार देना है। हाँ पापा। पापा आप कब आएंगे? बेटा कभी भी बन सकता है प्रोग्राम तुम्हारे घर आने का। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ओके।
राहुल जी। अब कैसी है आपकी तबीयत? जी ठीक है। आपके लिए। थैंक यू। नहीं, कोशिश नहीं कीजिए। हम पहले कभी नहीं मिले। तो फिर आप यहाँ कैसे? मैं मीनाक्षी की मौसी। मीनाक्षी जो आज जी के साथ। ओह यस यस ऑफ कोर्स, प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। मीनाक्षी हमेशा आज जी की तारीफ करती रहती है, और आज बात बात में बता दिया कि आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं, तो मिलने चली आई। That's so sweet of you. Thank you. आपकी किसी से दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी एक्चुअली आंचल की, और ये गोली आंचल पर चलाई गई थी, लेकिन मुझे लगता है आंचल सी पर क्यों? क्योंकि आंचल ने इन लोगों के खिलाफ केस लड़ा था और इन लोगों को हरा दिया। फिर तो आंचल जी डर गई होंगी? नहीं, आंचल डरने वालों में से नहीं, और अब तो आंचल पर इतनी बार हमला हुआ गया कि उसे आदत सी पड़ चुकी है। पहले भी हमले हुए? बहुत बार। आंचल की किस्मत इतनी अच्छी है, हर बार एक नकाबपोश ने आकर आंचल की, अब तो बस वो एक मसीहा जैसे है हमारे लिए, और उस मसीहा ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि हमें लगा कि जरूर वो कोई आदमी होगा। फिर पता चला कि मसीहा एक औरत है। औरत? जी, औरत। किसी औरत से तो मुलाकात एक बार होनी चाहिए। ताज्जुब की बात है। एक और ताज्जुब की बात ये है कि ये मसीहा सिर्फ आंचल की मदद ही करती है। आंचल की मदद क्यों करती है, कहां से आती है, कहां गायब हो जाती है, ये बस अब तक पता ही नहीं चला। वाकई ताज्जुब है। एक बार तो आंचल ने इस मसीहा का पीछा किया, उसकी घर तक पहुंच गई, जब अंदर गई तो मसीहा गायब। फिर जब आंचल ने दूसरे दिन मेरे साथ वहां जाना चाहा तो मैंने कहा चलो, और वहां जब पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कि बरसों तक वहां कोई नहीं रहता। आपको सचमुच मालूम है आंचल जी ने उनको फॉलो किया था? आंचल को तो यकीन है, लेकिन सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आंचल को गलतफहमी हो गई, और शायद वो किसी दूसरे इंसान का पीछा करते करते किसी दूसरे घर में पहुंच गई। माफ कीजिए, बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर विजिटिंग आवर्स भी खत्म होने आए और हमें भी काफी दूर जाना है। आंचल जी नहीं आई अब तक? एनीवे, इनसे बाद में मिल लेंगे, भगवान करे अब जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। क्यों साहब, अब किसकी आत्मकथा तलाश कर रहे हैं आप? आत्मकथा नहीं, मैं कोई और ही किताब तलाश कर रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
कैसी बात? एक रेडियो प्रोग्राम में तुम्हारी ही कही एक बात है। मैंने तो बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं। वहीं में से एक है जो इस पर हम पर लागू होती है। क्या? मेरा याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर इंसान से जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। हाँ, कहा था मैंने। गलतियां दोनों तरफ से हुई है मेरा, क्या हम उन गलतियों को सुधार नहीं सकते? लेकिन तुम कहना क्या चाहते? एक मिनट में आती हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मेघा यूँ बुकशॉप में खड़े होकर जिंदगी की उलझनों को सुलझा नहीं जा सकता। इसमें क्या? ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं और अभी नहीं। कब? कहाँ? मैं आज शाम को तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी। चल। एक बार मिला कर, एक बार मिल ले मुझसे, मैं उसे समझा लूंगा, अपने अपने दिल की बातों से बता दूंगा। दर्द हो रही? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे थे? वो सेंसेशन नहीं थी, जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, इसलिए जरा हिला। हाँ, गिरेगा। बैठिए। अब आप भी घर जाइए, आराम कीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, और अर्चना भी घर पर अकेली माँ की देखभाल कर रही है, उसे भी तो अपने घर जाना है। मैं यहाँ हूँ, तुम घर जाओ, जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, है ना बेटा? हाँ हाँ, चल घर जाना ही चाहिए, तो थोड़ा रेस्ट ले। और डैड आप भी चले जाइए ना, मैं बिल्कुल ठीक हो रहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वार्ड बॉय और नर्सिंग है। मैं यहीं, और अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन बाबूजी, हाँ चल घर जाओ। ठीक है। अरे वाह, ये बुके बहुत ही अच्छा है, किसने भेजा? मीनाक्षी की मौसी। क्या, मीनाक्षी की मौसी ने? मीनाक्षी की कोई मौसी है? मुझे नहीं पता था। अब होगी ना, तभी तो कहा उसने कि वो मीनाक्षी की मौसी। मीनाक्षी ने मेरे बारे में बताया तो देखने चली आई। हाँ, मुझे भी उन्होंने यही कहा, मुझे रिसेप्शन में मिली थी, मैंने ही तो इस कमरे का नंबर बताया। ठीक है बाबूजी, मैं चलती हूँ। बाय राहुल। ठीक है। राहुल, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी शुभचिंतक। मैंने हमारा दिन पहले कहीं देखी है, अगर कहा मुझे याद नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, आप लोग बैठिए, मैं अभी मिस्टर पारिक को बुला के लाती हूँ। मिस्टर पारिक जी, थैंक यू जी। मेरा नाम राजेश है और ये मिस अंजलि, हमने आपसे फ़ोन पे बात की थी सुबह। हाँ हाँ, आपने बताया था कि कुछ हैंडसम लड़के और अच्छे एक्टर्स चाहिए। हाँ जी, सिर्फ लड़के ही चाहिए या लड़कियाँ भी? वेल, लड़की तो हमारे यहाँ पे है। अच्छा, मगर आपने ये नहीं बताया कि आपको सीरियल्स के लिए चाहिए या फिल्म्स के लिए। देखिए मिस्टर पारिक,
हम लोग अपनी कंपनी बहुत ही बड़े पैमाने पे लॉन्च करना चाहते हैं और ये सीरियल्स और फिल्म्स उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और आप जो भी एक्टर हमें सजेस्ट करेंगे ख्याल रखिएगा कि वो बहुत ही अच्छा एक्टर हो जिसे लास्ट मिनट इम्प्रोवाइजेशंस करना आता हो मतलब ही हैज टू बी रियली गुड एट इट वैसे ही जैसे नॉर्मल लाइव शोज में होता है लाइव परफॉर्मेंसेस में और ना वो कोई गड़बड़ी करे ना कोई फंबल ठीक है जैसे एक्टर्स आपको चाहिए फिलहाल हमारे पास वैसे मौजूद हैं क्योंकि पर्सनली मैं दो दिन उनको अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ बाकी ये दिन मेरे कुलीग्स हैं जो इनका ख्याल रखते हैं हाँ आप अपनी स्टोरी के मुताबिक जो भी आपको फिट लगे इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए ख्याल से ये ठीक रहेगा क्यों हाँ ओके शंकर जरा कुछ करके बताओ नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है ये हमारा कार्ड इस पते पर कल सुबह आ जाना टर्म्स एंड कंडीशंस वही डिसाइड कर लेंगे ओके यस सर थैंक यू सर थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू सकती है जो राहुल से मिलने अस्पताल आई थी ये हैंडराइटिंग जानी पहचानी लग रही है पर कुछ याद नहीं आ रहा इस औरत ने तो राहुल को यही बताया कि वो मीनाक्षी की मौसी है दिन भर बोलती रहने वाली मीनाक्षी ने कभी अपनी मौसी का जिक्र तक नहीं किया मैं मीनाक्षी से ही पूछकर कंफर्म कर लेती हूँ क्या पता शायद कोई दूर की रिश्तेदार हो हेलो हेलो मीनाक्षी ओ मैम कैसे हैं आप और राहुल जी कैसे हैं वो अब ठीक है मीनाक्षी मुझे तुमसे कुछ पूछना है पूछिए तुम्हारी कोई मौसी है मौसी मेरी नहीं तो जरा सोचो मीनाक्षी कोई दूर की रिश्तेदार होगी प्लीज सोचो नहीं मैम वैसे बात क्या है मीनाक्षी एक औरत राहुल से मिलने हॉस्पिटल में आई थी उसने राहुल को एक बुके दिया है और वो कह रही थी कि वो तुम्हारी मौसी है नहीं मैम ये तो मेरी कोई मौसी नहीं है ये कोई और होगी मुझे तो लगता है ये हमारे दुश्मनों की कोई चाल है हमें संभल कर चलना चाहिए इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हमें इमीडिएटली पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और राहुल जी के सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए थैंक्स मीनाक्षी बाय एनी टाइम मैम थैंक्स अ लॉट अगर वो मीनाक्षी की मौसी नहीं थी तो फिर कौन थी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़